राफेल डील को लेकर भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में मोर्चा खोल दिया है। वहीं हिमाचल में भी भाजपा ने जिला मुख्यालयों में राहुल गांधी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। शिमला में भाजपा के प्रदर्शन में पहुंचे प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्हें देश की जनता को सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर गुमराह किया। कोर्ट ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के हक में निर्णय दिया है। राहुल गांधी देश की जनता को पिछले 6 महीने से गुमराह कर रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राफेल खरीद समझौते के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने तथ्यहीन, बेबुनियाद, निराधार प्रश्न खड़े कर देश की रक्षा से जुड़े मामले पर राजनीति करने की कोशिश की, जो कि ओछी हरकत है। पूरे हिंदुस्तान को पिछले 6 महीने से जिस तरह से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने देश को गुमराह किया राफेल डील के मामले को लेकर के, उसका पर्दाफाश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। राफेल डील, इनका कहना यह था कि उसमें पैसे खाए गए, अच्छे हेलीकॉप्टर नहीं लिए गए और हम सस्ता लेना चाहते थे, आप लोगों ने महंगे ले लिए। तो उस सब का जवाब जब सर्वोच्च न्यायालय ने मांगा तो गवर्नमेंट ने उसका जवाब दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों बातों को ठीक माना कि ज़रूरत थी इसलिए लिए गए और कोई बीच में बिचौलिया नहीं था, कोई डील नहीं हुई, इसलिए उसमें भी ठीक है और जो लिए गए हैं वो भी क्वालिटी के हिसाब से भी ठीक है। ऐसा करके जो उन्होंने गवर्नमेंट के जवाब को उन्होंने उच्च ठहराया है। हमारा ये मानना है कि 6 महीने जो इन्होंने जनता को गुमराह किया, पूरे देश में एक सेना के मन को गिराने की कोशिश की और रक्षा के मामलों में भी राजनीति करने की कोशिश की। हम ये चाहते हैं कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ये देश की जनता से माफ़ी मांगें और आगे के लिए, भविष्य के लिए इस तरह के जो रक्षा सौदे होते हैं या देश की सीमाओं के साथ जो जुड़े मामले हैं उनमें जो राजनीति ना करें।